दिन का चैन खोया है, रातों की नींद गवाई है। दिन का चैन खोया है, रातों की नींद गवाई है। अपनी मेहनत से आपने अपनी सफलता पाई है। दोस्तों, 64वीं बीपीएससी में सेक्शन ऑफिसर पद पर चयनित बिहार पटना जिला के रहने वाले अमितेश रंजन जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपको इस कामयाबी पर दिल से बधाई। धन्यवाद धन्यवाद आशी। अमितेश जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि परिणाम आने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए हर्षी, उम्मीद तो हो ही जाती है परीक्षा के बाद, जी लेकिन हाँ, डबल डिजिट में रैंक की उम्मीद नहीं थी, तो जी अविश्वसनीय था। और सारे इमोशंस, त्याग और परिश्रम की याद आ रही उस समय, तो थोड़ा आँख भर गया था। बट ये दुआएं हैं लोगों की, और साथ में लोगों ने बहुत सैक्रिफाइस किया है हमारे पढ़ने पर, तो जी जी थोड़े इमोशनल हो गए थे। पर हाँ, 2 दिनों तक तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। जी अमितेश जी, आप सभी छात्रों के प्रेरणा स्रोत हैं, क्योंकि आप पहले से सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं। वर्तमान में अभी आप सरकारी नौकरी में हैं। ये बताइए कि सरकारी नौकरी करते हुए आप इतनी बड़ी सफलता, इतने बड़े एग्ज़ाम को क्रैक किया है, किस तरह समय निकाला? और आप अपने लिसनर या जो भी आगामी छात्र हैं वो जानना चाहते हैं कि नौकरी करते हुए किस प्रकार से आपने तालमेल, सामंजस्य बैठाया इस एग्ज़ाम को निकालने में। जी बिल्कुल, अभी मैं कार्यरत हूँ, और इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है आपकी एकाग्रता, कि आपको आपका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। आपके दिमाग में हमेशा वो लक्ष्य चलता रहना चाहिए कि मुझे क्या करना है, जी मुझे कहाँ तक पहुँचना है, अचीव करना है, क्या टारगेट है, और उसके पीछे आपको दिन में रोज समय देना है जी अनफेलिंगली। मतलब जिसको कहते हैं ना, परसिवरेंस चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। तो आपको ऐसा नहीं है कि आप 2 महीना जम के पढ़ लिया, उसके बाद फिर अब चल रहे हैं रिलैक्स मोड में, जी जी वैसे नहीं होता। जी तो आपको रोज थोड़ा थोड़ा नियमित रूप से, और जब कार्य कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली है कि आपको समय बांध कर चलना होता है, कि हाँ इतने बजे मुझे बैठ जाना है, इतने बजे मुझे सो जाना है, इतने बजे मुझे उठ जाना है। तो एक रूटीनबद्ध तरीके से, और हमेशा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि नहीं, मुझे रोज पढ़ना है थोड़ा थोड़ा, कम जी से कम 4-5 घंटे तो निकालने ही होंगे। जैसे 2 घंटे रात में हो गए, 3 घंटे सुबह हो गए। तो जैसे हमारी बेटी भी है, जिसे मतलब मेरी आदत है, बिना मेरे साथ वो सोती नहीं है, जी तो जी अब उसको पहले सुलाने लेके जाओ, फिर वो सो जाए तो फिर चुपचाप कोशिश करो एग्जिट कर ले, 2 घंटा बिल्कुल वहां रात में निकाल लिया। सुबह फिर 4 बजे उठ गए, कि जब तक उसके सोने का टाइम है तब तक 4 से 7, 8, 9 बजे तक अपना 4-5 घंटे निकाल लिए, फिर अपना ऑफिस आवर आ गया। जी जी तो उस तरीके से अगर आपके दिमाग में हमेशा बैक ऑफ द माइंड ये टारगेट रहेगा कि नहीं, मुझे कुछ करना है, मुझे ये एग्जाम चाहिए, जी तो आप उस हिसाब से अपने आप को मोल्ड करते रहेंगे, अपने रूटीन को उस तरीके से मॉडिफाई करते रहेंगे जी कि जी हम कैसे अपना समय निकाल सकें। और दिन भर में 5 से 6 घंटे निकालने की आवश्यकता है, जी दो जी घंटे 3 घंटे सुबह, 2-3 घंटे शाम। अगर आप इतना कंसिस्टेंसी कर रहे हैं रेगुलर डेली जी बेसिस पे जी सभी विद्यार्थियों के लिए, जी तो ये काफी आपको आगे दूर तक लेके जाएगा। जी बहुत अच्छा आपने बात बताया कि अगर लगातार कोई छात्र 5 से 6 घंटा प्रतिदिन पढ़े तो निश्चित रूप से सफल हो पाएंगे। अमितेश जी, ये बताइए कि आपने जो एग्ज़ाम दिया उस वक्त से आपने अपने ऑफिस कार्य को किस प्रकार से तालमेल बैठाया? क्योंकि हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं जो नौकरी कर रहे हैं वो सोचते हैं कि मैं वहाँ भी नौकरी कर रहा हूँ, उनका भी प्रेशर है और इतनी बड़ी एग्ज़ाम को निकालना, ये इसमें तालमेल आप बताइए कि ये कैसे आपने बैठा है? क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि नौकरी करते हुए सफल कैसे हो गए हैं, तो हर कोई का इच्छुक मन में ये बात आती है। हाँ जी, देखिए इसमें मैंने पहले भी बताया था कि आपका हमेशा टारगेट आपके दिमाग में होना चाहिए। जी हमारे साथ क्या है ना, कि हम दिमाग की लड़ाई में हार जाते हैं जी अधिकांशतः। जी जी एक बार अगर हमने बांध लिया कि नहीं, हमें ये करना है, जैसे हमें जब भूख लगी तो हमें खाना खाना है, अगर जी हमारे दिमाग में आ गया कि हमें भूख लगी और खाना खाना है, तो हम कहीं से भी कुछ ना कुछ निकाल के खा ही लेंगे। जी उसी तरीके से ये परीक्षा भी है, अगर बिल्कुल हमने दिमाग में डिसाइड कर लिया, पहली लड़ाई अपने मस्तिष्क के साथ है खुद से,
अगर हमने खुद से तय कर लिया कि नहीं मुझे करना है तो जी मैं इसके बाद सोचूंगा कि कैसे करना है। बिल्कुल अगर मुझे टारगेट तक पहुंचना होगा तो मैं पहले डिसाइड करूंगा कि मुझे मार्केट जाना है जी या जी कहीं जाना है। जब तक मुझे ये नहीं पता होगा कि मुझे कहाँ जाना है, मैं रास्ता कैसे खोजूंगा। जी तो ये पहली लड़ाई हर परीक्षार्थी के लिए है, जी वर्किंग या नॉन वर्किंग। उनको ये डिसाइड करना हो कि मुझे यहाँ पहुंचना है कि नहीं पहुंचना। जी अगर मुझे जी यहाँ पहुंचना है तो मैं सोचूंगा कि हाँ अब मैं समय कैसे निकालूं, मेरे पास कितना समय ऑफिस में देना है। उसके जी बाद थक जाता हूँ ऑफिस से आकर तो 1 घंटा 2 घंटा का रिलैक्सेशन चाहिए। पर अगर दिमाग में टारगेट रहेगा तो आप रिलैक्स करते समय भी लगेगा कि अच्छा अब नेक्स्ट क्या पढ़ूंगा, आज क्या करूंगा, आज का टारगेट क्या है, मेरा लॉन्ग टर्म गोल क्या है, मेरा मिड टर्म गोल क्या है। तो जी उस तरह की चीजें दिमाग में चलती रहनी चाहिए और बिल्कुल तभी वो आपको प्रेरित करता रहता है कि नहीं मुझे और बेहतर करना है जी अपने अपने लिए, अपने परिवार के लिए और सभी के लिए, समाज के लिए इन जनरल। जी तो कहने का तात्पर्य यह है कि लगातार आपके मन में अपने लक्ष्य के प्रति जो है जागरूक और प्रतिबद्ध रहना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल अत्यंत आवश्यक। अमितेश जी, ये बताइए कि आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहे हैं? 10th 12th BA आपने मतलब क्या रहा है एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका? अच्छा 10th 12th से बात करें तो मैं पटना का ही रहने वाला हूँ। टेंथ जी ट्वेल्थ की पढ़ाई मैंने पटना केंद्रीय विद्यालय बेली रोड से की है। जी +2 के बाद मैं NIT जयपुर गया हूँ, बिहार कंबाइंड इंजीनियरिंग के थ्रू। जी और NIT जयपुर से मैंने 2006 में पास आउट किया। उसके बाद मैं IT में चला गया। जी IT में 10 सालों तक काम किया है, अरे लगभग वाह 2016 तक, 16 के अंत तक। और उसके बाद में 2017 से तैयारी करना शुरू किया, यहाँ पर झारखंड में आया बिजली बोर्ड में। जी, और 2020 में अभी मैं यहाँ पर, 2021 में मैं PPSC में। तो आप IIT में मतलब IT में आपने उतना दिन काम किया उतने सालों तक, फिर इस तरफ रुझान आपके किस प्रकार से मतलब क्या क्या कारण रहा जो कि आप इस तरफ आए BPSC में तैयारी करने के लिए? देखिए हर्ष जी, ये मतलब बहुत निजी मामला था एक तरह से कहे तो। जी इच्छा पहले से थी, पारिवारिक प्रेशर था जिसकी वजह से जॉब करना पड़ा और जॉब की वजह से बाहर जाना पड़ा। घर जी में कोई था नहीं, घर बंद था, पिताजी का हमारे बहुत अर्ली देहांत हो गया था। तो और ओह भी पारिवारिक जो ताना बाना था जी जी वो मुझे बाहर लेकर चला गया था। उस समय आ मुझे मजबूरी में जॉब करना पड़ा। जी और जब मैं सेटल हो गया, जब मैंने मुझे लगा कि अब मैं हाँ आर्थिक रूप से संपन्न हूँ, मुझे बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैं थोड़ा समय दे सकता हूँ, जी जी तो मैंने सोचा कि चलो अब अपने घर चला जाए, तैयारी शुरू की जाए। तो जी फाइनली पहुंच पा रहा हूँ अब। ये बताइए कि आपके BPSC में ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या थे और आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी कैसे की? ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, लोक प्रशासन। और मैंने कभी कोई कोचिंग ट्यूशन नहीं की है इस तैयारी के दौरान, प्री और मेंस दोनों में नहीं। हाँ इंटरव्यू के लिए मैं कुछ मॉक इंटरव्यूज दिया था इंस्टीट्यूट में, पर कभी कोचिंग ट्यूशन कहीं नहीं की मेंस तक। और ऑप्शनल के लिए मैंने देखा कि पहले तो यूट्यूब चैनल वगैरह से ही पता किया कि हमारे टॉपर्स वगैरह के इंटरव्यू देखते हुए कि आखिर लोक प्रशासन की तैयारी कैसे की जानी चाहिए एक समग्र रूप से। और उसके बाद सारे टेक्स्ट बुक्स खरीदे, टाइम टू टाइम पढ़ना शुरू किया, सबको अपने नोट्स बनाए, जितने सोर्सेस हो सकते थे सबको जमा किया, जितना पढ़ सकता था नेट से, जितना मोबाइल से, जितना बुक्स वगैरह से, और उससे अपने नोट्स लिखे हमने। और उसी नोट्स को बार बार रिवीजन लगातार। आपके परीक्षा के माध्यम क्या थे, इंग्लिश या हिंदी, कौन से माध्यम में? इंग्लिश माध्यम में था। जी, अमितेश जी ये बताइए कि आप अभी रिजल्ट प्रकाशित कर दिए गए हैं BPSC द्वारा, नंबर भी प्रकाशित कर दिया गया है, तो आप बताएं कि GS 1 2 और आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट में कितने नंबर आए हैं? मेरे ओवरऑल रिटन मेंस में 500 अंक थे और मेरे इंटरव्यू में 88 अंक थे, मेरा टोटल 588 हुआ। GS 1 में 187 कुछ था और लमसम वन यही थर्टी सिक्स हैं जी और जी एक जी सौ पचहत्तर मेरे ऑप्शनल में थे, जी जी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में थे। ठीक जी है। आपने इंटरव्यू किस बोर्ड में दिया और इंटरव्यू के कुछ एक्सपीरियंस बताएं कि वहाँ पर आपसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे? बढ़िया प्रश्न है। जी इंटरव्यू आदमी मतलब हर आदमी के लिए ये एक पर्सनल
एक्सपीरियंस है बहुत मजेदार। जी जी मेरा अनिल भगत सर के बोर्ड में था, मीडिया जी पर्सन है, हाँ पहले से हमें पता था कि वो मीडिया पर्सन है, और हाँ अंदर देखते ही उनकी छवि काफी बार देख चुकी थी अखबारों वगैरह में, जी जी तो एक लगा आत्मीयता था कि चलो अच्छा है। जी मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था अखबार से कि आपका करंट अफेयर क्या है, हाँ बेसिक इंट्रोडक्शन हुई, उसके बाद उस पर कोई प्रश्न नहीं हुआ, जी और अखबार में क्या करंट न्यूज है उससे कुछ क्रॉस क्वेश्चन की गई उस दिन के अखबार से, 7 जनवरी को था हमारा। जी उसके बाद कुछ पॉलिटी के प्रश्न पूछे गए, कुछ जी इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमारा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का था उससे कुछ बेसिक से प्रश्न पूछे गए, जैसे SMS MMS जैसी चीजें, इसमें अंतर क्या होता है। जी उसके बाद कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए, जैसे वैक्सीनेशन में अगर करप्शन की चीजें आ जाएंगी तो उसको आप कैसे हैंडल करेंगे, कोई कंप्लेंट्स आ जाएगा अगर आपके सबऑर्डिनेट के खिलाफ तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे, तो वो एक प्रोसीजर, एक कूल माइंड देख रहे जी थे कि जी कैसे आप सिचुएशनल प्रश्न पूछे गए थे। बिल्कुल उसको कैसे आप हैंडल कर सकते हैं। जी और उसके बाद फिर वैल्यू एथिक्स पर बातें चली गई, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कोर चीजें हैं, जी जी तो बेसिकली वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सिलेबस में नहीं है हमारे BPSC में, पर जी ठीक है, जनरल अंडरस्टैंडिंग तो होनी ही चाहिए सभी विद्यार्थी को एज एडमिनिस्ट्रेटर की, आपको एथिक्स और वैल्यूज वगैरह पता होने चाहिए क्या है, जी जी तो उसमें थोड़ा सा डीप हो गए कि हाँ ठीक है, एग्जैक्ट डेफिनेशन बताओ कैसे उसमें एथिक्स में क्या होता है और वैल्यूज में क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है, इंटीग्रिटी क्या चीजें हैं, जी इस तरह की जी बातें हुई। उसके बाद हुआ कि ठीक है वैक्सीनेशन पर आए, तो एक नॉर्मल चर्चा हो रही थी, मतलब अच्छा लगा बोर्ड में, और चेयरमैन साहब काफी काफी सपोर्ट कर रहे थे, जी बहुत पहले आपके उन्होंने अच्छे मार्क्स भी आए हैं, 88 मार्क्स, क्योंकि मैं जहाँ तक अभी तक देखा हूँ 92 हाईएस्ट में देख पा रहा हूँ, टॉपर्स के 90 हैं और 92 तक अभी तक मैं देखा हूँ, तो आपके 88 मार्क्स मैं मान सकता हूँ कि बहुत अच्छे मार्क्स हैं, क्योंकि 120 टोटल मार्क्स हैं इंटरव्यू के। बिल्कुल बिल्कुल, एक तरह से ये देखे कि वो अगर आप घबराए नहीं जी और अगर आप शांत व्यक्तित्व के हैं, प्रश्न को पूरी तरह सुनते हैं, जी और धीरे धीरे अगर ना भी समझ में आता है प्रश्न पूरी तरह से, जी तो आप अपने पत्ते धीरे धीरे खोले, धीरे धीरे बात करें, एक अप्रोच बनाकर कि हाँ ये स्टेप बाय स्टेप ऐसे होना चाहिए, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, जी तो बहुत बढ़िया डिस्कशन होता है, और जब अच्छा डिस्कशन होता है तो नंबर जनरली अच्छे आते हैं। जी जी ठीक है, तो बहुत तनाव में नहीं देना है इंटरव्यू, जी जनरल चीजें पूछी जा सकती हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है, जैसे मुझसे मॉडर्न हिस्ट्री भी पूछा गया, वर्ल्ड हिस्ट्री भी पूछा गया, जो कि मतलब सिलेबस में नहीं है एक जनरल कैंडिडेट के लिए जिसकी जी हिस्ट्री जी ऑप्शनल नहीं है, जी लेकिन ऐसी कोई घबराने की बात नहीं थी, जो प्रश्न नहीं आया उसमें साफ मना कर दीजिए, गलत आंसर तुक्काबाजी मत करिए, और जी अगर तुक्काबाजी करना है, अगर आपको पार्शली कुछ चीजें पता है, तो आप पहले बोर्ड को क्लियर कर दीजिए कि सर पूरी तरह से याद नहीं है, अगर आप परमिशन दे तो मैं आगे बढ़ूं, जी तो जी ऐसा करने से ना उनको भी लगता है कि हाँ आप उनको कॉन्फिडेंस में लेके बात कर रहे हैं, आप ब्लफ नहीं कर रहे, तो जी ब्लफ नहीं करना है। ठीक है, जी अमितेश जी, ये बताइए कि अगर कोई छात्र अब BPSC की तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप उन्हें किस प्रकार से सलाह देंगे कि वो कहाँ से स्टार्ट करे और कैसे करे? ये भी बढ़िया प्रश्न है सभी के लिए। जी पहली बात तो ये है ना कि बहुत से छात्र ऐसे हैं जो वर्किंग होते हैं और कहीं और काम कर रहे होते हैं, वो मेरे पास जनरली वैसे ही लोग आ रहे हैं जी कि जी कैसे स्टार्ट करें, जी तो उन लोगों के लिए स्ट्रेटजी अलग है, जो करंट पास आउट हुए हैं उनके लिए स्ट्रेटजी अलग है। उसका कारण क्या है कि करंट वाले जो है वो पढ़ाई बुक्स के साथ हैं अभी भी, जी जी तो जिनके पास बुक का साथ है पहले से पढ़ रहे हैं, वो पहले ऑप्शनल पर अटैक करें, क्योंकि उन्होंने जस्ट ग्रेजुएशन किया होगा, किताबें उनके पास होंगी, अभी उन्होंने पढ़ा होगा, जी तो वो बेहतर है कि उस ग्रेजुएशन पेपर को पहले कमांड कर ले, GS जी पेपर तो हो जाएगा, उनकी पढ़ने की आदत है, जी जिनकी पढ़ने की आदत छूट गई है, जो जॉब में, जैसे हम लोग ने कम बैक किया था 10 साल के बाद, तो पढ़ने की आदत छूट गई थी, IT में थे तो कलम पकड़ने की ही आदत नहीं थी, कंप्यूटर पे ही जी सारा काम होता था, जी तो उस वजह से उन लोगों के लिए स्ट्रेटेजी थोड़ी सी अलग होती है कि पहले आप NCERT पढ़ो, पढ़ने की आदत डालो, छह जी घंटे 4 घंटे 3 घंटे निकालो पहले समय, अगर 2 3 घंटे निकालोगे, थोड़ा पढ़ने की आदत डालोगे, बेसिक NCERT ही पढ़ो, क्लास 6th की पढ़ो, 6th to 10th या 6th to 12th पढ़ो, जी लेकिन क्लास 6th की पढ़ोगे तो थोड़ा इजी लैंग्वेज में होगा, आप समझ सकते हो उसको, ग्रास्प कर सकते हो, 2 4 घंटे दे सकते हो उस पर टू जी स्टार्ट विथ,
तो उससे उन लोगों की पढ़ने की आदत पड़ेगी। एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है, प्रीलिम्स की अलग थोड़ी सी स्ट्रेटेजी होगी, मेंस की स्ट्रेटेजी थोड़ी सी अलग होगी। जैसे आपको प्रीलिम्स के लिए क्राउन जीके चाहिए, बिहार में इम्तियाज सर की बुक है, बिहार क्राउन जीके भी है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव के लिए आप पूर्वालोकन वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारी किताबें हैं, रिसेंट जनरल नॉलेज की किताबें हैं। अगर बुक लिस्ट पर जाएंगे तो फिर मतलब वो अलग ही डायरेक्शन में चला जाएगा डिस्कशन, पर मैं कह रहा हूँ कि स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए कि अगर जो जॉब में है और वो पढ़ना चाहते हैं कि नहीं हम फिर से देंगे, एक बार तैयारी करते हैं, कम बैक कर रहे हैं अगर, तो उनको पहले पढ़ने की आदत डालनी होगी कि 2-4 घंटे आप बैठ के देखो। जो पहले से पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन किया है उन्होंने, करंट में 2-4 साल में है रनिंग में, उनकी स्ट्रेटजी अलग होगी कि हाँ कोर बुक्स को कौन कौन से फॉलो करनी है। कम बुक्स पढ़िए, ज्यादा बार पढ़िए, जैसे क्राउन जी के है, मतलब हमने गंदा कर रखा है पढ़ के कई बार, तो उस तरीके के से आपको तैयारी करनी चाहिए कि आप सोर्स लिमिटेड रखें, मल्टीपल टाइम्स पढ़ें। हाँ ये बहुत बार हल्ला हो जाता है पेपर के बाद कि यार ये क्वेश्चन कहीं और से आ गया, ये क्वेश्चन तो बड़ा टफ था, बहुत डीप पूछ दिया, इस तरह की चीजों में नहीं फंसना है। वैसे 1-2 प्रश्न होते हैं, आपको 150 में 150 नहीं बनाना, ठीक है। तो उस तरह की चीजों को आपको मान के चलना है कि चलो छोड़ दिया जाएगा, हमको जितना कोर में मेरा दिया है, कोर टेक्स्ट बुक जो हम भी फॉलो कर रहे हैं, हमको उतनी चीजें एटलीस्ट अगर याद हो, समझ हो उन चीजों की, तो उतना काफी है क्वालिफाई करने के लिए। आपने बताया कि मैं 10 साल तक पेन भी नहीं पकड़ता था, वहाँ कंप्यूटर पे काम होता था। बिल्कुल लेकिन अब बहुत सारे छात्र ये भी जानना चाहते हैं कि लेखन शैली, क्योंकि मेंस में लेखन शैली बहुत बड़ा रोल अदा करता है, तो आपने बिल्कुल उस लेखन शैली को किस प्रकार किया ये भी बताएं तो आप। अच्छा, ये भी अच्छा प्रश्न है। ये शुरू में काफी तकलीफ होती है क्योंकि आदत छूटी हुई थी, लेकिन मेरा जो तरीका था वो मैं बताता हूँ, हो सकता है आप लोगों के लिए काम करे, किसी के बिल्कुल लिए ना भी करे, अलग अलग लोग हैं। पर जो मेरा तरीका था वो ये था कि मैं क्या करता था, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स उठाता था मेंस के, ठीक है। जैसे मान लीजिए पॉल्यूशन हो गया, या एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो गया, या क्लाइमेट चेंज हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, इरिगेशन हो गया, इस तरह से एक बड़े बड़े टॉपिक उठाए और उस टॉपिक को 2-3 दिन तक खुद से पढ़ता था, जितने भी अब मेरे पास स्रोत उपलब्ध है उनसे, इंटरनेट हो गया, 2-4 किताबें हो गई, जहां से भी मिल सका, अगर कोई नोट्स मिल गया, या करंट अफेयर में कहीं कोई आर्टिकल उससे संबंधित आ गया, या संपादकीय में कहीं कुछ मिल गया था तो उसको नोट करके रखा हुआ था, वो कहीं मिल गया, तो इस सारे जगह से किसी एक टॉपिक को उठाया, उस पे 2-4 दिन तक मेहनत की, सारा सारे पक्षों को पढ़ने का प्रयत्न किया, और उसके बाद बैठता था लिखने के लिए कि अब लिखा जाए, और उसके बाद मतलब लिखना शुरू करे तो रोज, ठीक है, रोज लिखेंगे उस पर, हर टॉपिक पर कम से कम 30 पन्ने की नोट्स होगी, ठीक है। तो लिखने का प्रयत्न ये था कि 3 घंटे में कम से कम 40-50 पन्ने की टारगेट रखो, 3 घंटे में 50 पेज लिखेंगे, तो दो टॉपिक पढ़ लिया 3 दिन 4 दिन में, और उसके बाद 50 पन्ने लिखे, और वो 50 पन्ने हम 2-3 दिन तक लगातार लिखे, तो उससे क्या होगा कि आपकी एक लिखने की हैबिट बनेगी, और जब आप लगातार लिख रहे हैं, मैटर आपका पढ़ा हुआ है तो लिखना आसान हो जाता है, अगर आपके दिमाग में चीजें उपलब्ध हैं कि क्या लिखना है तो आप आराम से लिख सकते हैं। तो 2-3 दिन आप पढ़िए, जमा करिए मटेरियल कि आपको लिखना क्या है, और उसके बाद जब लिखने बैठिए तो लगातार लिखिए, मतलब 3 घंटे तक लगातार लिखिए, 50-50 पन्ने लिखिए, उससे क्या होगा कि 40 पेज जब आप मेंस में आंसर लिखने लगेंगे तो आपको वो लगने लगेगा बड़ा आसान है, मैंने तीनों पेपर में 40-40 पन्ने भरे हैं, वाह ठीक है। तो जब आपकी लिखने की आदत 50-60 पेज की होने लगेगी, 50-55 पेज की 3 घंटे में, तो आपके लिए 40 पन्ना बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हर एक टॉपिक की नोट्स आपकी कम से कम 10 से 12 पन्ने की होनी चाहिए, जिसको 4 पेज में आपको मेंस में लिखना है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल तो 10 पन्ने की नोट्स है, वैसे भी आपको याद 5-6 पेज ही रहेंगी, उससे ज्यादा नहीं रहेंगी मेंस में, उतना भी लिख लिया तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। जी कहने का ये तात्पर्य हुआ कि प्रतिदिन लेखन शैली आपको प्रयास करना होगा, तभी जाकर आप अच्छे लिख पाएंगे मेंस में। बिल्कुल बिल्कुल, और पढ़िए, पहले जोर दीजिए पढ़ने पर, ऐसा नहीं है कि आपको day 1 से लिखना है, आप पहले पढ़िए, पहले समझेंगे तब लिखेंगे, नहीं पढ़े रहेंगे तो लिखेंगे ही नहीं, और उसके बाद वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आने लगता है कि यार मैं कुछ लिख नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो पहले हमको टॉपिक चुनना है, उस टॉपिक पर अध्ययन करना है, और तब 2-4 दिन बाद लिखेंगे, लेकिन जब लिखेंगे तो हम लगातार 2-4 दिन 5 दिन तक उसी टॉपिक को लिखते रहेंगे, ताकि मेरा वो चीज प्रखाड़ हो जाए कि हाँ अब उससे क्वेश्चन मेंस में आएगा तो मैं लिखूंगा भयंकर तरीके से। अमितेश जी, अब मेरा सेशन अंतिम समय पे जा रहे हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि
कि अगर मैं पूछूं कि इस तैयारी के दौरान आपको सबसे आपके प्रेरणा स्रोत जिससे आपको मोटिवेट किया कि मैं करूंगा और कर सकता हूं। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। मेरा प्रेरणा स्रोत मैं खुद था कह सकता हूँ, जी और मेरा घर था कि नहीं मुझे अपने घर जाना है। जी और बहुत समय से मैं प्रयत्नशील था कि मैं बिहार जाऊं। मैं आईटी के चक्कर में बाहर निकल गया, जी कमाने की जरूरत थी उस समय, घर की फाइनेंशियल कंडीशंस ऐसी थी कि मुझे घर से बाहर निकल गया। तो वो बैक ऑफ द माइंड हमेशा था दिमाग में कि नहीं यार मुझे अपने घर जाना है, अपने प्रदेश में जाना है। जी तो जी यही मुझे बार बार मोटिवेट करता रहा कि यार करो, यहाँ जी से निकलो, अपने घर चलो। जी तो वो था, और मैंने टेबल पर अपना एसडीएम लगा रखा था, पर्चा कि जी निकलेंगे। जी जैसा कि आप शुरुआत में ही बताया कि आपकी एक बेटी है, तो जब आप सफल हुए तो आपकी बेटी का क्या मतलब स्टेटमेंट या क्या रिएक्शन आया, आप बताएंगे एक्सपीरियंस? क्योंकि बधाई बधाई तो बहुत हर तरफ से आ रहे होंगे, और उनको भी अजीब लग रहा होगा क्योंकि वो अभी बच्चे हैं, तो उनको लग रहा होगा कि पापा को इतने कॉल या एकदम बहुत सारे लोग आ रहे हैं पेपर में, ये जो जो भी हैं, तो उनका क्या रिएक्शन था? देखिए, मेरा और मेरी बेटी का रिएक्शन लगभग बराबर सा था। जी मैं भी रो रहा था और बेटी भी रो रही हाँ थी। जी मैं खुशी से रो रहा था अपने पिताजी की तस्वीर पकड़कर, और जी बेटी इसलिए रो रही थी कि पिताजी क्यों रो रहे। तो हाँ ये 20 मिनट तक तो यही चलता रहा, जी उसके जी बाद चीजें थोड़ी सामान्य होने शुरू हुई। जी तो ठीक है, पर ये है कि मेरी बेटी खुश है कि मैं और पापा दोनों कोई ऐसो हो गए हैं। हाँ जी 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 उनके समझ में भी इतना ही आ रहा है। जी अमितेश जी, आपने इतनी बड़ी सफलता हासिल की नौकरी करते हुए, बिल्कुल आप सभी छात्रों के प्रेरणा स्रोत हैं, साथ साथ हमारे भी प्रेरणा स्रोत हैं, क्योंकि आपने इतना मेहनत धैर्य परिश्रम के साथ सफलता हासिल की है। तो आप अपना कीमती समय हमें दिया, आपको बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद थैंक यू हर्ष जी, जी। आपको भी धन्यवाद, और बाकी सभी को बेस्ट विशेस, आपको भी और बाकी लोगों को भी। जब भी हमारी जरूरत होगी बताइएगा, मैं जी जी हमेशा हेल्प करने के लिए भावी स्टूडेंट्स को तैयार रहूँगा। जी जी थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू।